यहाँ पर जो आज टॉपिक टच होने वाला है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ माई लाइफ एंड आई मीन इट. ये मैं अपने किसी सेशन में नहीं बोला आज तक, आज बोल रहा हूँ पहली बार. This is one of the most important topics, not just for the students, but for everybody. यहाँ पर कितने students हैं जो अभी school में हैं, college में हैं या post graduate level पे? Students की life की दो ऐसी problems हैं जिसको आज हम touch करने वाले हैं. और मेरे according जितनी भी problems हैं student की life से related, उन सबको इन दो problems में categorize किया जा सकता है. पहली problem ये है कि हम जाने या अनजाने गलत track पे चलने लग जाते हैं. गलत ट्रैक क्या है? बहुत ही सिंपल है. सिगरेट, शराब, नशा, किसी भी तरह का कुछ भी हो, वहां से ले करके एडिक्शन टू व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, मोबाइल, इंटरनेट, टेलीविजन, ये सब क्या है? सब गलत ट्रैक है. अब यहां पे ध्यान से समझना जो चीज मैं कह रहा हूं. प्रॉब्लम मोबाइल में नहीं है, इससे जो हमारी एडिक्शन है, जो हमको लत पड़ती जा रही है कि एक मिनट के लिए भी चाह करके भी हम मोबाइल को छोड़ नहीं पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है. किसी भी तरह का, किसी भी इंसान से, किसी भी चीज से, किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी स्टेट से, किसी भी एक्सपीरियंस से अगर आपको एडिक्शन हो जाए तो आप समझ जाओगे आप गलत ट्रैक पर जा रहे हो. यह है गलत ट्रैक. एडिक्शन नहीं है, लिमिट में कर रहे हो, कोई बुराई नहीं है. मोबाइल अपने आप में एक बहुत ही अच्छा टूल है. अगर मोबाइल से कुछ बुरा हो रहा है हमारी सोसाइटी में, तो बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है. और बहुत कुछ अच्छा भी हो सकता है अगर उस टूल को हम ढंग से यूज करना सीख जाएं तो. लेकिन अगर वो टूल जो कि मोबाइल है वो हम पर हावी हो जाए तो बहुत गड़बड़ है. तो बड़ा भयानक टूल है. खाना खा रहे होंगे लेकिन उसके साथ में मोबाइल चल रहा होगा, छोड़ा ही नहीं जाएगा, चिपक जाएंगे. जैसे एक आदमी से शराब नहीं छोड़ी जाती ना, ऐसे मोबाइल नहीं छोड़ा जाएगा. और यही हो भी रहा है आज की डेट में. अभी भी आप में से कुछ लोगों का मन कर रहा होगा, चल एक बार देख लूं मोबाइल पर क्या है रहा है. एडिक्शन है. ये हो गया गलत ट्रैक. सही ट्रैक क्या है वो हम सबको पता है. वो क्या है कि अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है इस पॉइंट पे? पढ़ना, पढ़ाई करना. और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना. अभी आप क्या करोगे छोड़ करके? हवाई बड़े बड़े प्लान्स आप बना सकते हो, हवाई महल खड़े कर सकते हो, मान लिया वो कर भी सकते हो. लेकिन अगर अभी 12th स्टैंडर्ड में हो तो अभी तो नहीं कर सकते ना. अभी तो बिजनेस नहीं कर सकते, अभी तो जॉब नहीं कर सकते, अभी तो जाकर के हीरो नहीं बन सकते. तो अभी क्या करना है? अभी तो पढ़ना है. मेडिकल कॉलेज में आ गए तो डॉक्टर बन के ही निकलना है ना, बीच में तो नहीं छोड़ा जा सकता. और अगर आज आपने इसको बीच में छोड़ा तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि इसके बाद आप कुछ और करोगे उसको भी बीच में नहीं छोड़ोगे, छोड़ते ही नहीं चले जाओगे? क्या गारंटी है? तो ये है सही ट्रैक. सही ट्रैक क्या है कि एक बार एक डिसीजन ले लिया, लेने से पहले 1000 बार सोचो, 10,000 बार सोचो, ले लिया तो फिर उसमें अपना 100% डालना है. तो अब ये चीज कैसे होगी? दो सॉल्यूशंस है. एक है सुपरफिशियल लेवल पे, सरफेस लेवल पे, मतलब कि ऊपर ऊपर की बातें. मैं आपको बता दूं यहां पर बैठ करके कि पढ़ाई में आपका ध्यान नहीं लगता, मैं आपको तरीके बता देता हूं कि कॉन्सेंट्रेट कैसे किया जाए, अपनी कॉन्सेंट्रेशन पावर्स को कैसे बढ़ाया जाए. बहुत सारे तरीके, हजारों तरीके हैं कि ठीक है पढ़ाई के टाइम पर आप म्यूजिक ऑन कर लो, म्यूजिक सुनते रहो, अपने मोबाइल को ऑफ करके कहीं पर रख दो, पढ़ाई के टाइम पर सिर्फ पढ़ाई करो, ये करो वो करो. आप इंटरनेट पर चले जाओ, आपको ऐसे हजार नुस्खे मिल जाएंगे, हजार ऐसे आइडियाज मिल जाएंगे. उसके लिए मुझे यहां पर आकर के बताने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. और जो ऐसे नुस्खे ढूंढना चाहता है वो ढूंढ लेगा 2 मिनट के अंदर अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है. अगर कोई चाहता है ये जानना कि पढ़ाई में अपनी कॉन्सेंट्रेशन पावर्स को कैसे बढ़ाया जाए तो हजार रास्ते हैं. गूगल के ऊपर जाकर के आप सर्च करो हाउ टू इंक्रीज योर कॉन्सेंट्रेशन पावर, आपको टिप्स मिलती चली जाएंगी. उन टिप्स में से जो अच्छी लगती है उसको इंप्लीमेंट करते चले जाओ, कॉन्सेंट्रेशन पावर्स बढ़ जाएंगी. लेकिन ये भी प्रॉब्लम की जड़ नहीं है. जड़ ये है कि हमारा इंटरेस्ट क्यों नहीं है पढ़ाई के अंदर? हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है. उस इंटरेस्ट को कैसे क्रिएट किया जाए? अंदर से पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, जबरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है. ये जड़ है प्रॉब्लम की कि किसी तरह से नहीं. अगर आपको पार्क में जाकर के खेलना है तो उसके लिए किसी मोटिवेशन सेशन की जरूरत है क्या? नहीं है. आप जाओगे जाकर के पार्क में खेलोगे. फेसबुक के ऊपर बैठ करके टाइम पास करना है, उसके लिए किसी मोटिवेशन की जरूरत है क्या? मुझे जरूरत है आकर के बोलने की कि प्लीज अपना फेसबुक पे टाइम स्पेंड करो, थोड़ा सा यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखो, व्हाट्सएप पे बैठा करो ना, बैठते क्यों नहीं हो?
अपने दोस्तों के पास जाया करो, दो चार पैग लगाया करो, हाँ सुट्टे मारा करो, ये सब बोलने की जरूरत है? समझो exactly. जड़ तक जाना है, ऊपर ऊपर लेवल पे काम नहीं करना। सॉल्यूशन ये है कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं आकर के, आपके पेरेंट्स आकर के, पूरी दुनिया आकर के आपको कहे कि मत पढ़ो, मत पढ़ो, खबरदार अगर पढ़े तो, और फिर भी आप पढ़ो। आपको नहीं, मैं तो पढ़ूंगा, आने तो मेरे सामने कौन आ रहा है, उसको देख लूंगा, देखता हूं मुझे को कौन रोकता है पढ़ने से। अगर कुछ ऐसा हो गया तो समझ जाओ खेल हो गया, काम हो गया। जो आपकी स्टूडेंट लाइफ है उसमें पढ़ना था, आप पढ़ लिए, उसके बाद में जॉब करनी है तो जॉब में अपना 100% डाल दिया, बिजनेस करना है बिजनेस में 100% डाल दिया, एटलीस्ट स्टूडेंट लाइफ में तो आपने 100% डालना सीख लिया ना, तो आगे भी आप लाइफ में जो भी करोगे आप पूरे दिल से करोगे, पूरे तरीके से करोगे। अब कैसे करना है, ये प्यार कैसे आएगा? हाँ, ये प्यार कैसे आएगा बता रहा हूं, प्यार में थोड़ा सब्र करना पड़ता है। क्या है अब, क्या है इसका सलूशन? बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं इतना इसलिए बोल रहा हूं, इतना बेस इसलिए बना रहा हूं ताकि जो मैं एक लाइन में बोलने वाला हूं उसको तो मैं सेशन के शुरू में भी बोल सकता था और बोल करके खत्म कर सकता था, लेकिन होगा क्या कि अब इतना सुनने के बाद में अब आपके अंदर से आ गया ना, सबके अंदर से आवाज आ रही, अरे बोलना बोल क्यों नहीं रहा, क्यों घुमा रहा है गोल गोल